महागठबंधन टूटने के बाद बिहार के पहले विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है, लेकिन उससे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने न सिर्फ सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए बल्कि बिहार को उभरते हुए घोटाले का प्रदेश करार दिया है। शुरुआत हुआ है और काफी छोटा सत्र है और महागठबंधन सरकार टूटने के बाद, नई सरकार बनने के बाद ये पहला एक तरह से कहा जा सकता है कि सत्र है और ट्रस्ट वोट के बाद, और जब से सरकार, नई सरकार बनी है, तब से ये देखा जा रहा है कि लगातार घोटाला पे घोटाला इस सरकार के राज्य में हो रहा है और कोई कंट्रोल नहीं रह गया घोटाला पर। एक घोटाला के साथ दो घोटाला और मुफ्त इस प्रकार का सेल चल रहा है घोटाला का, और बिहार की जनता में ये स्पष्ट हो गया है और क्लियर मैसेज है कि जो विकास पुरुष का जो छवि, जो नीतीश कुमार जी जो जनता के बीच में जो उनकी छवि जो पेश करते रहे हैं, अब बिहार की जनता मान गई है कि नीतीश कुमार जी नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं और लगातार इनके संरक्षण में एक के बाद एक बड़े से बड़े सौ सौ हजार और अरबों करोड़ तक के घोटाले हुए जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति जो है काबू में नहीं है, खुलेआम अभी भी शराब की बिक्री हो रही है, होम डिलीवरी हो रही है और लगातार रेप की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लूटपाट मर्डर से लेकर के छीना झपटी चैन स्नैचिंग से लेकर के पूरा गैंग जो है इनके कार्यकाल में पूरी बुलंदियों के साथ खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है और प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा है। पूरी तरीके से अपराध का राज बिहार में कायम हो चुका है। इसको लेकर के आज विधायकों ने हम लोगों के बाहर प्रदर्शन करने का काम किया और ये लगातार जो घोटाले हो रहे हैं इसमें सरकार कहती है कार्रवाई होगी होगी होगी, लेकिन अब तक ऐसा देखा जा रहा है जितनी बार सरकार ने कार्रवाई बोली है उल्टा ही कार्रवाई हो रहा है। घोटाले कम होने के बावजूद दोषियों को सजा दिलाना चाहिए तो ऐसा लग रहा है कि और घोटाला बढ़ते जा रहा है और अब अगला कौन सा घोटाला आएगा, अब बिहार की जनता ये देख रही है। बिहार में विकास की बात नहीं हो रही, बिहार जो है घोटालों का प्रदेश के रूप में उभरता जा रहा है और इसमें जो यहाँ के जो सरकार है लगातार सुशासन का दावा देने वाले नीतीश कुमार, सुशील मोदी जी, ये एक तरह से ये साबित हो गया है कि ये सुशासन की सरकार है और यहाँ विकास से कोई लेना देना नहीं है, गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, योजनाओं का पूरी तरीके से सारी योजना जो हम लोगों के सरकार में शुरुआत की गई थी सात निश्चय का, वो पूरी तरीके से फ्लॉप है। हम लोग जानना चाहते हैं इस सरकार से। तो बिहार का सत्र शुरू हो चुका है और विपक्ष में इस बार तेजस्वी यादव खड़े हैं। ऐसे में विपक्ष के कड़े हमलों से नीतीश सरकार अपने दामन को कैसे बचा पाएंगे, फिलहाल ये देखना बाकी है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।